हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट्स। क्या आप बता सकते हैं कि दो लाइन जब पैरेलल हो तो उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, या दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। यदि दो लाइन पैरेलल है तो उसके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। यदि लाइंस पैरेलल है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि दो लाइन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है, तो उसके बीच तो आप लोग जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे हम लोग ये बता सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम मीन्स ये दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। वहीं जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज जीरो होगी। ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन क्या स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कि ऐसे दो लाइन के बीच डिस्टेंस जो ना ही पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो, ये कैसे पॉसिबल है। यदि दो लाइन है तो या तो आप जानते हैं कि या तो वो पैरेलल होगी या नहीं तो इंटरसेक्टिंग होगी, एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है या नहीं तो एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है ऐसे। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ऐसा दो लाइन जो ना ही पैरेलल हो और ना ही क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, तो उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो हम जो इस लाइन की बात कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात कर रहे हैं, वो प्लेन में बात कर रहे हैं, प्लेन में ये दोनों लाइन है तो पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं करती है। दूसरा है, यदि वो पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेगी, प्लेन में यदि दो लाइन पैरेलल नहीं है तो ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी। कोई भी दो लाइन है, यदि मान लीजिए वो पैरेलल नहीं है तो क्या होगी, कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से मिलेगी, लेकिन पैरेलल लाइन कहीं नहीं मिलती है, माना जाता है इन्फिनिटी पे मिलती है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ना ही पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो, तो ये एक प्लेन की बात हम नहीं कर रहे हैं, यानी लाइंस लाइज इन डिफरेंट प्लेन, दो डिफरेंट प्लेन में जब होगा तभी दोनों लाइन क्या होगा, ना ही पैरेलल होगा ना इंटरसेक्टिंग होगा। कैसे, जैसे दो लाइन है, ऐसे हाथ को ही लाइन, तो ये देखिए एक प्लेन में है तो क्रॉस कर रही है, एक प्लेन में है तो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये ऐसे करेंगे तो पैरेलल हो गई, एक ही प्लेन में है। लेकिन एक ऐसे करके दे तो ये पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, ये पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, यानी कि ये दो डिफरेंट प्लेन में ये दो लाइन है, तो इसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमें देखना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, नाइदर क्या है कंडीशन, नाइदर पैरेलल
नॉट इंटरसेक्टिंग। तो ये पॉसिबल कब होगा? दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन टू लाइंस लाइज इन टू डिफरेंट प्लेन्स। टू डिफरेंट प्लेन में जब होगा तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो मान लीजिए कि दो लाइन है, ये इस तरीके से है, ये प्लेन में नहीं है, बोर्ड के प्लेन में इसको कंसीडर नहीं करना है। हमने क्या बताया, ये ऐसे है, ऐसे करके हो सकता है, ऐसे करके कुछ हो सकता है, पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे या क्रॉस नहीं कर रही है। अब इसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? तो इसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हम लोग मेजर कैसे करेंगे, जो लाइन दोनों के परपेंडिकुलर हो, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस, मींस एक ऐसा लाइन कंसीडर करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो मान लीजिए कि ये एक लाइन है P और T, जो कि ये L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, और लाइन 1 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं R से, वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन है। अभी पिछले वीडियो में ही हमने देखा है कि लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, a प्लस लैम्डा b। तो दो लाइन है, तो यहाँ पे वन लगा दीजिए, यहाँ भी वन लगा दीजिए, तो a1 वन प्लस लैम्डा बी वन, और इस लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं क्या, a2 टू प्लस म्यू बी टू। ये दो लाइन है और ये डिफरेंट प्लेन में है, यानी कि पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है। तो इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी पीटी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दूसरी बात है कि यहां पे आप इस लाइन को एल वन को ए वन प्लस लैम्डा बी वन से रिप्रेजेंट किए हैं, इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ए वन से पास कर रही है, और ए वन को हम लोग एस मान लेते हैं, ये ए वन से पास कर रही है, और ये जो लाइन एल टू है वो किससे पास कर रही है, ए टू से पास कर रही है, टी पॉइंट मान लेते हैं, ये क्या है, ए टू से पास कर रहे हैं, उसका पोजीशन वेक्टर ए टू किसी गिवन फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में मान लेते हैं ए टू है, या ए वन को हम लोग पॉइंट्स भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पे आपको लाइन दे दिया गया है कि किस पॉइंट से पास कर रही है, और b1 क्या है, b1 मतलब ये लाइन जो है एक और लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो पता है उस लाइन के पैरेलल है, और ये जो l2 लाइन है एक ऐसी लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो पता है b2 उसके पैरेलल है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और हमें बताना है क्या, पीटी, पीटी का लेंथ कितना होगा। तो पीटी का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसटी को ज्वाइन करना पड़ेगा, एसटी को ज्वाइन कर दीजिए, अब वेक्टर में, वेक्टर चैप्टर में आप पढ़े हैं कि कोई भी लाइन है यदि उसका प्रोजेक्शन किसी दूसरे लाइन पे निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उन दोनों लाइन के बीच हमें क्या पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए, थीटा। मान लीजिए ये आपका वेक्टर b है और ये आपका वेक्टर a है, और b का a पे प्रोजेक्शन आपको निकालना है, तो क्या होगा, ये इतना ही दूर ये प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्शन मतलब क्या, शैडो,
ऊपर से यदि आप कोई लाइट देंगे, टॉर्च जलाएंगे, तो उसका शेडो कितना दूर में बनेगा? इतना ही दूर में बनेगा। तो बी को आप बी का कंपोनेंट बोलिए या बी का प्रोजेक्शन अलोंग ए कितने लेंथ का होगा? तो हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी ये इसका लेंथ क्या है? ए है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कितना होगा? बी कॉस थीटा होगा। और थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये कंसेप्ट यहां पे लगेगा। आपको क्या करना है, एस टी का प्रोजेक्शन, यहां पे पी टी नहीं होगा, एस टी का प्रोजेक्शन यहां पे दूसरा होगा, पी क्यू ले लीजिए। एस टी का प्रोजेक्शन किस पे बताना है? पी क्यू पे बताना है। तो ये जो प्रोजेक्शन होगा एस टी का, पी क्यू इज इक्वल टू एस टी कॉस थीटा हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ एस टी ऑन पी क्यू, तो पी क्यू इज इक्वल टू एस टी कॉस थीटा। यहां पे थीटा क्या है? हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी क्यू एंड एस टी। तो आपको यही चीज निकालना है, पी क्यू इज इक्वल टू एस टी कॉस थीटा। थीटा क्या होगा? तो कॉस थीटा कैसे हम लोग निकालते हैं? तो कॉस थीटा हम लोग डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट से क्या होता है, हम लोग जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। और कॉस थीटा जब एंगल दो वेक्टर के बीच निकालना हो तो कॉस थीटा निकालते हैं कैसे, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो वही चीज है, एंगल बिटवीन पी क्यू एंड एस टी है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? वेक्टर पी क्यू इंटू वेक्टर एस टी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस टी, यही होगा। इस कंसेप्ट को यहां पे, यानी वेक्टर का पूरा कंसेप्ट यहां पे लग रहा है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर डॉट एस टी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एस टी। अब आपको यहां पे कॉस थीटा का वैल्यू यहां रख दीजिए, तो फ्रॉम वन क्या मिलेगा, पी क्यू इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको, एस टी तो रहने दीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा पी क्यू डॉट एस टी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ एस टी। इस पे भी वेक्टर साइन दे दीजिए। अब देख सकते हैं एस टी और एस टी ये मैग्नीट्यूड दोनों कैंसल हो जाएगा, और ये यहां पे मैग्नीट्यूड नहीं होगा, यहां तो पी क्यू डॉट एस टी ही होगा, पी क्यू वेक्टर डॉट एस टी वेक्टर। और पी क्यू वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो किसी भी वेक्टर को हम लोग, कोई भी वेक्टर है ए, उसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो यहां पे पी क्यू वेक्टर को क्या लिखेंगे, पी क्यू वेक्टर को लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इंटू यूनिट वेक्टर एन। तो पी क्यू वेक्टर को आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू यूनिट वेक्टर के साथ, आप इसको पी क्यू वेक्टर को लिख सकते हैं। और इस पी क्यू वेक्टर को आप यहां रख सकते हैं, पी क्यू का लेंथ आपको निकालना है। तो पी क्यू इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर है ये,
इसको आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू विथ यूनिट वेक्टर डॉट एस टी, ये रहेगा, और नीचे में आपका क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू भी है। तो देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू अब कैंसल आउट हो गया, यानी आपके पास पी क्यू यानी कि लेंथ ऑफ पी क्यू निकल रहा है कितना होगा, तो यूनिट वेक्टर डॉट एस टी, यही इसका लेंथ होगा मैग्नीट्यूड। अब एस टी तो हमें पता है कि क्या होगा, एस टी, एस टी को आप लिख सकते हैं ए टू माइनस ए वन, तो पी क्यू वेक्टर हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर डॉट ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर किसके अलोंग होना चाहिए, पी क्यू के अलोंग होना चाहिए, और पी क्यू क्या है, एल वन और एल टू के परपेंडिकुलर है, यानी पी क्यू क्या है, बी वन और बी टू के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा यूनिट वेक्टर जो बी वन और बी टू के दोनों के परपेंडिकुलर हो, ऐसा यूनिट वेक्टर जो बी वन और बी टू दोनों के परपेंडिकुलर हो, वो कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, या कह सकते हैं कि ऐसा वेक्टर जो b1 और b2 के परपेंडिकुलर हो, तो वो कौन सा वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2, यानी b1 क्रॉस b2, आप लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर में पढ़े होंगे, तो b1 क्रॉस b2 इज परपेंडिकुलर टू b1, एंड b1 क्रॉस b2 आल्सो परपेंडिकुलर टू b2। तो हमें यूनिट वेक्टर किसके अलोंग निकालना है, बी वन क्रॉस बी टू के अलोंग निकालना है, क्यों, क्योंकि बी वन क्रॉस बी टू एल वन के भी परपेंडिकुलर होगा और एल टू के भी परपेंडिकुलर होगा, क्यों, क्योंकि बी वन क्रॉस बी टू बी वन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो एल वन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही प्लेन में है, और यहां पे बी टू क्या होगा, एल टू के पैरेलल है, इसका मतलब है कि b1 क्रॉस b2 परपेंडिकुलर होगा l1 और l2 दोनों के। तो यूनिट वेक्टर किसके अलोंग निकालना है, यूनिट वेक्टर किसके अलोंग निकालना है, यूनिट वेक्टर हमें निकालना है b1 क्रॉस b2 के, यानी यूनिट वेक्टर हम pq के अलोंग निकाल रहे हैं, और pq क्या है, b1 और b2 के परपेंडिकुलर है, इसलिए हमें b1 क्रॉस b2 का क्या करना है, यूनिट वेक्टर एलोंग बी वन क्रॉस बी टू क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर एलोंग बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू। यहां पे जैसे कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए ए है, और इसके एलोंग आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर एलोंग ए कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सॉरी ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो वही चीज है, यूनिट वेक्टर अलोंग बी वन क्रॉस बी टू क्या होगा, बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, यही क्या है, लेंथ ऑफ, या कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस l1 एंड l2। ये तो वेक्टर फॉर्म में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे, ये इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में क्या है, b1 क्रॉस b2 डॉट ए टू माइनस ए वन अपॉन बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड, यही क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एल वन एंड एल टू होगा। कार्टेशियन फॉर्म में देखिए, इन कार्टेशियन फॉर्म, यहां पे आप देख सकते हैं बी वन बी टू है, तो बी वन ये है, ये इसका डायरेक्शन रेशियोज मान लीजिए ए वन बी वन सी वन है, तो बी वन को आप लिख सकेंगे ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, और बी टू को मान लीजिए इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए टू बी टू सी टू, तो इसको लिखते हैं ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस
C2K। अब यहां पे देखिए A2 माइनस A1 है, तो A2 पॉइंट है, इसको मान लीजिए X2 Y2 Z2 और A1 क्या है X1 Y1 Z1। इस पॉइंट से ये लाइन L1 पास कर रही है और A2 से L2 पास कर रही है, यानी X2 Y2 Z2 से पास कर रही है। तो A1 को हम लोग क्या लिखेंगे, A1 को लिख सकते हैं X1 I प्लस Y1 J प्लस Z1 के, और A2 को लिखेंगे X2 I प्लस Y2 J प्लस Z2 के। अब देखिए ये क्या है, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। B1 क्रॉस B2 क्या होगा, एक वेक्टर होगा, और वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होगा, स्केलर। तो A क्रॉस B डॉट C, याद कीजिए A क्रॉस B डॉट C, A क्रॉस B डॉट C क्या होता था, तो A क्रॉस B डॉट C आप लोग जानते हैं कि C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 लिख सकते हैं। तो वही चीज है, A2 माइनस A1 कितना होगा यहाँ पे, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा X2 माइनस X1 I प्लस Y2 माइनस Y1 J प्लस Z2 माइनस Z1 K। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A2 माइनस A1 मतलब X2 माइनस X1 I कोफिशिएंट होगा, Y2 माइनस Y1 प्लस Z2 माइनस Z1 ये आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे B1 क्रॉस B2 है और डॉट A2 माइनस A1 है, तो देखिए C का जो कोफिशिएंट है वो C1 C2 C3 फर्स्ट रो में है, और फिर A का कोफिशिएंट A1 A2 A3 है, और फिर B का कोफिशिएंट B1 B2 B3 है। तो उसी तरह यहाँ पे जब हम इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 को हम लिखना चाहते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1 का कॉफिशियंट क्या है, IJK का कॉफिशियंट लिख दीजिए, X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1 ये हो जाएगा, और फिर B1 का कॉफिशियंट A1 B1 C1 A1 B1 C1 और B2 का कॉफिशियंट A2 B2 C2। अब ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ गया, लेकिन आपको क्या किससे डिवाइड करेंगे, B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 से यदि डिवाइड कर देंगे तो PQ निकल जाएगा। तो इसको यदि आप यहीं पे B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड यदि कर देते हैं तो ये इक्वल टू होगा PQ, यानी इसके नीचे क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाल देंगे B1 क्रॉस B2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाइए, तो B1 C2 इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा B2 C1 का स्क्वायर प्लस, अब हो जाएगा C1 A2 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर प्लस, अब हो जाएगा A1 B2, इसको इससे कीजिए और इसको इससे कीजिए, तो A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट लगा दीजिए, तो यही क्या है PQ है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस लाइज इन स्पेस। क्या होगा, ये वेक्टर फॉर्म में होगा, जब ये दो पॉइंट्स और दो लाइन दिया हुआ हो तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे, और यदि कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म करने का मतलब कि जो भी B1 B2 जो है कोफिशिएंट के साथ लिखा हुआ हो तो हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, यानी कि L1 जो हो क्या हो, L1 हो X माइनस X1 अपॉन A, Y माइनस Y1
अपॉन बी और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, यानी यहाँ पे ए वन बी वन सी वन ले लीजिए, ये एल वन हो गया। इसमें पता चल गया कि ये एक्स वन वाई वन जेड वन से पास कर रहा है और इसका डायरेक्शन रेशियोज इसके प्रोपोर्शनल है बी वन के, ए वन बी वन सी वन डायरेक्शन रेशियोज है। उसी तरह एल टू, एल टू को हम लोग क्या लिखेंगे, एल टू को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू और इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। तो देख सकते हैं कि ये एक्स टू वाई टू जेड टू से पास कर रहा है ये लाइन एल टू, और इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए टू बी टू सी टू, जो बी टू का डायरेक्शन रेशियोज है। तो इस तरीके से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट बिटवीन टू लाइन्स लाइज इन स्पेस, जब स्पेस में कोई दो लाइन लाई करती है और वो ना ही पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसी फार्मूला से 3D में निकालते हैं। अब हम देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मींस जब दो पैरेलल लाइन हो तो उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन इसके पहले एक चीज और जान लीजिए कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन दे आर कोप्लैनर, वो कोप्लैनर एक ही प्लेन में होगा। तो एक ही प्लेन में दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये मान लेते हैं ये पी और ये टी है, और इस लाइन का इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं एल वन का, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी है। ए वन करने का मतलब ये किसी पॉइंट से पास कर रही है जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये ए वन होगा। और दूसरा लाइन जो है यहाँ पे एल टू, ये इसका इक्वेशन है ए टू प्लस म्यू बी। ए टू मतलब ये किसी पॉइंट ए टू से पास कर रही है, मान लीजिए ये कहीं भी हो सकता है, इससे तो हमें अभी कोई मतलब नहीं है, एक ही पॉइंट से हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि ये एस है, तो बी जो है ये दोनों पैरेलल है, बी एक तीसरा लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियोज आपको दिया हुआ है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये दिया हुआ होगा। तो आपको क्या बताना है, पीटी का डिस्टेंस यानी शॉर्टेज डिस्टेंस पीटी है, यानी आपको पीटी फाइंड आउट करना है। तो पीटी कितना होगा, तो पीटी के लिए एक इस पॉइंट से पास कर रही है ए वन से, मान लीजिए एस, तो थोड़ा सा इसको एस और टी को ज्वाइन कर दीजिए, एस और टी को ज्वाइन कर दिए, ये एस जो है ए वन है, और इसको एक्सटेंड करते हैं कहाँ तक, बी तक। ये जो हमारा एक थर्ड लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो हमको पता है बी, तो इसके साथ एंगल मान लीजिए कि ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी थीटा होगा। हमें निकालना है पीटी, तो पीटी कैसे निकलेगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में पीटी को हम लोग लिख सकते हैं एस टी साइन थीटा, यानी आपको एस टी साइन थीटा निकालना है, वैल्यू कितना होगा। तो एस टी साइन थीटा किस एक्सप्रेशन से आएगा, तो एस टी और बी के बीच एंगल क्या है, थीटा है। तो यदि हम बी क्रॉस एस टी निकालें, बी क्रॉस एस टी, तो हम इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ एस टी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, ये बी क्रॉस एस टी होगा। आपको निकालना क्या है, एस टी साइन थीटा निकालना, यानी पीटी निकालना है। तो ये एस टी साइन थीटा को आप पीटी लिख देंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू पीटी इंटू यूनिट वेक्टर। अब यहां पे
बी क्रॉस एस टी, आपको निकालना क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ पी टी निकालना है, और यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर यहां पे आप निकाल सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड जब लेंगे, यहां पे मैग्नीट्यूड लेते हैं बी क्रॉस एस टी का मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू पी टी, यही होगा मैग्नीट्यूड हमने ले लिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू पी टी, ये मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर हट जाएगा क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन से मतलब नहीं, अभी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। और पी टी क्या हो जाएगा, पी टी हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस एस टी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये होगा। अब B क्रॉस एस टी, एस टी को हम लोग क्या लिखेंगे, एस टी ये मान लीजिए T क्या है, A2 है, तो A2 माइनस A1 होगा एस टी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, यही इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस यानी एस डी, यही होगा। और बी को फिर डायरेक्शन रेशियो जो, और ए टू ए वन क्या है, ए टू यदि मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के, और ए वन क्या हो जाएगा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, और बी वेक्टर ये होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब इसको आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, ए टू ए वन को इससे रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, कार्टेशियन फॉर्म में मिल जाएगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो स्टूडेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट, सॉरी दो लाइन के बीच, जब वो दोनों लाइन स्पेस में हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने बताया दो फॉर्मूला है, जब लाइन पैरेलल नहीं हो और जब लाइन पैरेलल हो तो हम कैसे निकालते हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में आपको सॉल्व करके बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो एक कर लेना जरूरी है, एक ना एक क्वेश्चन रहेगा ही शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।